और राजद के द्वारा एमएलसी चुनाव के लिए तीन उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने के बाद कांग्रेस और माले की ओर से सवाल खड़े किए जाने पर राजद नेता शक्ति यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभी सहयोगी दलों से बातचीत करके उम्मीदवार की घोषणा की है। प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने सभी जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस सीपीआई सीपीएम और माले सबसे राय कर ली है। राय के उपरांत ही राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधान परिषद के तीनों नाम की घोषणा की है। वाम दल से लगातार दो बात भी हुई है, पर कोई अगर घटक दल यह कहते हैं कि विश्वास में लिया नहीं गया है तो ये गलत होगा। सबको विश्वास में लेकर के ही निर्णय लिए गए हैं। राजद गठबंधन धर्म को मजबूती से निभाता रहा है, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड इस बात के प्रमाण है कि दो चार की संख्या में रहने के बाद जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय जनता दल उनको विधान परिषद और राज्यसभा की भी सीटें नेशनल और राजहित में दिया करती है। क्योंकि इस बार ये निर्णय सबकी सहमति से हुई है, तीनों नाम की घोषणा हो गई है, इसलिए आपत्ति का कोई सवाल ही पैदा उत्पन्न नहीं होता है। कोई घटक दल यह कह दे कि हमें विश्वास में